10 साल 20 साल हो गए यहाँ कोई चीज देखने नहीं आता, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। पहले देवनानी हमारे घर पे बैठा रहता था वोट लेने के लिए। और जिसमें धर्मेंद्र गहलोत साहब जो मेयर साहब थे खुद, कभी उन्होंने आके शकल तक नहीं दिखाई। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। पुष्कर रोड गौशाला के सामने क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या है रोड की, नाली की, यहाँ पे सफाई नहीं करते कोई, और कचरा भी बाहर पड़ा रहता है। कितना टाइम से आ रही है समस्या? ये 15-16 साल हो गए। अच्छा, बोर्ड लेने तो आते होंगे ना? आते, हाथ जोड़ के आते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, काम कुछ नहीं करवाते। अच्छा, अब क्या करेंगे? नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, आ रहे तो बोर्ड नहीं देंगे हमारे जो यहाँ पे काम करवाएगा रोड नाली साफ सफाई, तो उसको बोर्ड देंगे नहीं तो नहीं देंगे। कौन सा बोर्ड है? 71। आपका नाम? सुशीला साहू। ये है आश्रम की, आश्रम ऋषि ध्यान के पास में। कहीं समस्या आ रही है? यही समस्या है नाली की, रोड की, झाड़ू पोचा की, झाड़ू की यहाँ की है। वोट लेवाना तो आ जावे और पाछा शिकल ही कौन दिखावे। अब तो हाथ जोड़ जोड़ के दे, यहाँ वोट दे दो, वोट दे दो, हम साफ कर देंगे, फिर कोई पास में नहीं आते। अच्छा, कितने टाइम से ये परेशानी आ रही है? ये हो गया हमारे को 15 साल। अच्छा, 15 साल हो गया हमारे को ऐसे ही। साल में कभी रोड नहीं बना हमारा? कभी रोड नहीं आई जी। और कभी आपके पार्षद वोट मांगने आएंगे तो कहीं गए रही बात? कहीं के भाई हम वोट देंगे नहीं, हमारे नाले साफ कराओ, ये जो कौन है रोड कराओ साफ, जब देंगे हम वोट नहीं तो देंगे नहीं किसी को। ठीक, आपको नाम? यहाँ भाई साहब क्या बताएं, अनेक प्रकार की समस्या है न, सड़क टूटी फूटी है, नाली भी टूटी फूटी है। हाँ। और 10 साल 20 साल हो गए यहाँ कोई चीज देखने नहीं आता, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। पहले देवनानी हमारे घर पे बैठा रहता था वोट लेने के लिए। हाँ। अब वो शकल ही नहीं दिखाता, क्या बाबा आता ही नहीं है वो। अच्छा, इस बार चुनाव आ रहे हैं, क्या रहेगा अब? क्या चुनाव क्या करे भाई साहब, वोट किसको दे? सब दीवार सब ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाकी वो पूछने के लिए कोई आता ही नहीं है। तो इस बार आप वोट नहीं देंगे? वोट तो अब क्या करें, कोई हमारी सेवा करेगा तो उसको दे देंगे वोट। ठीक, हम मना नहीं करते वोट के लिए। आपका नाम? रूपचंद तेली। सर, पुष्कर रोड गौशाला ऋषि उद्यान के पास हमारे ये मोहिला है, साहू समाज का पूरे रहते हम, कम से कम 50 मेंबर है। न तो कभी इस रोड पर झाड़ू लगती है, न कभी नालियाँ साफ होती है, और जिसमें धर्मेंद्र गहलोत साहब जो मेयर साहब थे खुद, कभी उन्होंने आके शकल तक नहीं दिखाई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो सामने वाली लाइन में स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है ये बंद हो जाती है, जिसमें श्रीमान देवनानी साहब भी यहाँ जाते, संत कंवर राम कॉलोनी के अंदर रहते हैं, तो वो स्ट्रीट लाइटें भी मैं 181 पे फ़ोन करवा के ठीक करवाता हूँ। हाँ। जब होती है नहीं तो रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ रोड पर। अच्छा, ये वोट कौन सा है? ये वार्ड नंबर 71 है सर। अच्छा, यहाँ कितने टाइम से परेशानी आ रही है इसी? ये सर, ये कम से कम जब से सरोज यादव गई है ना, जब तक सरोज यादव मेयर थी ना, जब उसने ये रोड और नाली बनवाई उसके बाद में आज तक किसी ने आके झांका ही नहीं। अच्छा, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? भाई वोट देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई काम कराने वाला आवे तो वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे साहब। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सीताराम साहू सर। ये हम ऋषि उद्यान के पास है, गौशाला के सामने, हमारी गली में कभी ना तो कोई रोड काम हुआ, ना कभी कोई गली का काम हुआ, ना कभी नालियाँ साफ नहीं होती है, और हम ही खुद करते हैं। कोई पार्षद कोई वोट देने जाते हैं जब, तो आते हैं कि हाथ जोड़ के कि हमारे को वोट दो, हम आपका सब करेंगे, लेकिन उसके बाद कभी आके देखते भी नहीं हमारी गली में, ना कभी पूछते हैं कि कुछ कराना है नहीं कराना है। नालियाँ भी हम साफ करते हैं, झाड़ू पूरी रोड पे हम निकालते हैं, तो हमारा यही काम है क्या कि हम वोट दे के हमारा यही काम करते रहें? तो फिर तुम क्यों, मेयर साहब कभी एक आके देखे ही नहीं वापस के हमारी गली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम औरतें खुद झाड़ू निकालते हैं, खुद नालियाँ साफ करते हैं, और वोट लेने के लिए आते हैं बस, और बाद में आके ध्यान नहीं देते हैं। नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, अब क्या रहेगा आपको? अब आ रहे हैं हाथ जोड़ने के लिए, तो बाद में देखो क्या करें, वो उनको भी करना चाहिए ये काम, तो हम भी आगे बढ़े उनके लिए कि भाई हमारा काम हो रहा है और हम वोट देने के लिए तैयार हैं। कौन सा बोर्ड? ये हमारा 71 नंबर है। ठीक, आपका नाम? पहले नीलम साहू। ये हमारे वार्ड 56 था पहले जी, और अब 71 हो चुका है। पिछले 56 वार्ड में हमारे पार्षद श्री धर्मेंद्र जी गहलोत रह चुके हैं, जो कि मेयर के पद पे भी रह चुके हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में जो भी कार्य करवाए, एक तो ये हमारे नाले की सड़क बनवाई, जो भी गंदगी थी
झाड़ झूक थे वो भी सब हटवाए, सड़क बनवाई, दूसरा एक मेन रोड बनवाई उन्होंने, तीसरा क्या है कि उन्होंने कहा था मैं नालियाँ सड़क भी बनवा दूंगा 5 साल के अंदर, लेकिन कुछ अधिकारी और प्रशासन अड़खंजे कॉपरेट नहीं करते हैं और अड़खंजे करते हैं, मतलब उनकी अपनी वो है कि नहीं साहब इस एरिया में काम नहीं होना चाहिए, तो पार्षद क्या करेगा और अधिकारी क्या करेंगे और मेयर साहब क्या करेंगे, वो काम कराने को तैयार हैं लेकिन कुछ उनकी अड़चनें आ रही थी इस वजह से कार्य नहीं हुए, फिर भी उन्होंने जो हमारे वार्ड में पार्षद खड़ा हुआ है श्री रमेश जी सोनी अभी जो खड़े हुए हैं, वो हमें आश्वासन दे के गए हैं कि इस बार मैं 5 साल के अंदर आपके जो भी समस्या यहाँ होगी मैं समाधान करूँगा और आपके क्षेत्र का विकास करूँगा। अच्छा। तो हम यही चाहते हैं कि भाई प्रशासन सहयोग करे हमें, प्रशासन हमेशा इस एरिए में सहयोग नहीं करता, इस कारण से काम रुक जाते हैं और नहीं हो रहे हैं। बाकी पानी की समस्या है, नल कनेक्शन है सबके, लेकिन पाइपलाइन हमारे चामुंडा मंदिर तक आई हुई है कोर्ना तक, हमने बहुत मतलब कोशिश करी है देने कहने की करने की, लेकिन वो किसी कारण से वही प्रशासन आता आगे पीछे, प्रशासन अवरुद्ध वो करता है, वो अड़ंगे अड़ाता है कि नहीं साहब इस एरिया में काम नहीं होने चाहिए, ये डूब क्षेत्र है, ये वो है, नो कंस्ट्रक्शन जोन है, इस कारण से यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। बाकी पार्षद है, मेयर साहब है, जो भी यहाँ का पार्षद रहा है वो इस तो यहाँ वोट लेने तो आते होंगे ना, ये वोट लेने आते हैं, हमारा धर्म है हम वोट देंगे, कुछ काम होते हैं कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। अब हमारे मेयर साहब के रहते हुए सबसे बड़ा काम उन्होंने पहले ये किया पार्षद बनने के बाद में कि सबसे पहले हमारे मकान बचाए उन्होंने, ठीक है, मकान उन्होंने बचा के, जब मकान ही नहीं रहेंगे तो सड़क नाली नाले ये सब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस एरिया में काम नहीं होता है, काम होगा, आज 25 साल हमको भी हो गए रहते हुए, मैं खुद कार्य करता हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ अभी एट प्रेजेंट, और मैं लोगों के कार्य करवाती हूँ, लॉकडाउन में मैंने बहुत सेवा करी है लोगों की इस एरिया में, मेरे वार्ड में बहुत मैंने सेवा करी है, ठीक है, हमने जो भी हमारे पास आता है कि भाई नाले की समस्या है जो भी है, लेकिन क्या है कि डोली के लिए कहता है कोई, काय के लिए कहता है साहब डोली बनाओ इसकी बनाओ, मेयर साहब ने हमने ये कहा है कि अगर मैं डोली बनवा दूंगा तो जो साफ़ सफाई है जेसीबी है वो अंदर सफाई कैसे करेगी और भी परेशानी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है नाली में डोली बनाने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम जाके आए थे मान्य कवाड़ साहब भी जाके आए थे मेरे साथ में, हमने उनको बात भी रखी थी, लेकिन हमारे इस एरिया की समस्या दूर हो जाएगी मानते हैं जी, इस एरिया की समस्या हो जाएगी बिल्कुल, हमें जो अभी जो पार्षद खड़े हो रहे हैं रमेश जी सोनी मान्य, वो हमें आश्वासन देके गए हैं कि मैं जो भी इस एरिया की समस्या होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। नाम सीमा शर्मा, बूथ अध्यक्ष। ये भट्टे वाली गली महावीर कॉलोनी के पीछे है, वार्ड नंबर 71। यहाँ पे सभी समस्याएं, ना नालियाँ हैं ना सड़कें हैं, रानी जी भी झाड़ू लगाने नहीं आती, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, साफ सफाई नहीं होती, पानी की पाइपलाइन की परेशानी है, पानी भी नाला तो है मगर सफाई होती नहीं है उसकी, बहुत गंदगी रहती है, दिन कीचड़ इतनी बदबू आती है, स्मेल आती है कि बच्चे तो खेल ही नहीं सकते हैं, अच्छा, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा, पानी गंदगी इतनी है तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं यहाँ पे जी। इसको लेकर कभी शिकायत दी आपने? शिकायत कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं, ना पार्षद सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है, रानी जी का हो तो वो अपनी दादागिरी करती है, ना जमादार सुनता है, कोई आता ही नहीं है, सब अपनी दादागिरी करते हैं कि हमको खर्चा देते हो क्या, पैसा देते हो, हमसे पैसा मांगते, जब गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही तो हम किस बात का रानी जी को अलग से इनको पैसा देवे जी। जी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, नए पार्षद साहब तो आपके पास वोट मांगने आएंगे, हाँ जी, क्या करेंगे आप? हाँ उनको तो हमने कहा, आ गए वो वार्ड वाले, उनको कहा हमारी तो कोई समस्या नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि इस बार आप हम करेंगे, आश्वासन दे के गए हैं वो हमें, अब देखते हैं देखा। अच्छा जल्द अगर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आगे? फिर तो वो सामूहिक रूप में करेंगे जो करना है, एक अकेला आदमी थोड़ी ना कर सकता है जी जी, ये तो प्रशासन एक को तो दबा देती है, सामूहिक रूप में होना चाहिए, किसी को भी मिलके वोट नहीं देना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। ठीक, आपका नाम? जी मेरा नाम विजयलता।